हिंडाल्को करीब 1.5% नीचे, और लास्ट 15 मिनटों में बिकवाली बढ़ती हुई हिंडाल्को में अचानक वो स्लाइड देखने को मिला है। यही तस्वीर आपको टाटा स्टील की दिखाई देगी, 1.5% नीचे है ये, 0.5% का डिक्लाइन पिछले आधे घंटे में, और 0.5% का दबाव क्लियरली अभी अभी स्क्रीन पर आने लगा है जेएसडब्ल्यू स्टील में। ओएनजीसी पर तो दबाव वैसे भी था, कच्चे तेल में कम नरमी का इस पर इम्पैक्ट आता है, लेकिन मेटल्स में हम देख रहे हैं वो अब दरारें पड़ने लगी हैं। समित, हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, तीन काउंटर्स, और हिंडाल्को पर मैंने सुना है अच्छे खासे तेजी के कॉल्स आए हैं इसी हफ्ते में। अब वो तेजी की पोजीशन क्या रिवर्स कर ले, प्रॉफिट बुक कर ले, क्या एक शॉर्ट का ट्रेड लेंगे आप? देखिए, हिंडाल्को स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो 4 दिनों पहले लगभग अराउंड 475 हमने इसमें प्रॉफिट्स बुक करवाए थे। उसके बाद कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन या एक प्राइस वाइज करेक्शन का वेट कर रहे थे। ये थोड़ा और अगर गहरा था, लगभग 455-450 के रेंज में अगर हिंडाल्को आता है तो वहां पे काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि जो प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट है वो कोइंसाइड हो रहे हैं 200 एवरेज लगभग 440-445 के जोन में। तो यहाँ से अगर 2-3% का करेक्शन अगर हिंडाल्को में आता है तो हमारे ख्याल से वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी रादर देन शॉर्टिंग एट करंट लेवल। और अगर टाटा स्टील बात करें तो टाटा स्टील अभी वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास आ गया, तो 109-108 का हम टाटा स्टील में सपोर्ट देख रहे हैं। यहाँ पे इनफैक्ट अगर विद इन मेटल स्पेस कोई स्टॉक पिक करना है तो हम रादर टाटा स्टील के साथ जाना चाहेंगे, वो लॉन्ग साइड पे। यहाँ पे शॉर्ट की फिलहाल सलाह नहीं होगी, क्योंकि जब तक जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो प्रीवियस स्विंग लो जब तक ब्रेक नहीं होते तब तक हम शॉर्ट की सलाह नहीं देंगे। टाटा स्टील में ये पुल बैक हम इंटरप्रेट करेंगे जो लास्ट 3-4 दिनों में इसमें ड्रिफ्ट आया हुआ है, और यहाँ पे अगर कोई बाय करता है तो 106 के आसपास एक सपोर्ट है, वो स्टॉप लॉस होगा, और 116-118 के पोजिशनल टारगेट टाटा स्टील में करंट लेवल से हो सकते हैं। ओके, टाटा स्टील आपके स्क्रीन पे।